बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित अम्बेडकर सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि विभिन्न स्रोतों तथा आपदा प्रबंधन विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है कि दरभंगा जिले में 9 जुलाई की रात से 12 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना है। नेपाल से दरभंगा आने वाली जलधारा के रिवर बेसिन में भी पानी का जबरदस्त जमाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि कमला नदी में आने वाली जलधारा की बेसिन सिंधुली और सिंधुली तथा बागमती नदी का रिवर बेसिन पधवारा में जलजमाव हो रहा है। अगले 3 दिनों में प्रतिदिन 140 मिलीमीटर की दर से 400 से 500 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। कोसी एवं कमला नदी के तटबंध की पेट में अवस्थित 29 गांवों टोलों तथा बांध के सटे गांव के लोग सतर्क रहें। इस बार का अलर्ट बहुत ही गंभीर है। पिछले वर्ष 12 जुलाई को ही भारी बारिश हुई थी तथा 14 जुलाई को बांध टूटने की घटना घटित हुई थी। इस वर्ष बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। दरभंगा DM ने बताया कि ऑनलाइन समीक्षा बैठक में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को इसके लिए सभी मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को ऊंचे स्थल चिन्हित कर लेने, नाव, सामुदायिक रसोई एवं अन्य व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया गया है। 9 तारीख से इवनिंग से 12 तारीख तक बहुत हेवी रेनफॉल की अनुमान लगाई है। डेटा से जो कलेक्ट किया गया है उसके अनुसार इंफॉर्मेशन आया कि बहुत हेवी रेनफॉल होने वाला है और इसलिए हम सभी लोगों को सतर्क कराना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो रिवर बेसन्स हैं, यानी जो नदी का जहाँ से ओरिजिनेट होता है नदियाँ दरभंगा में गुजरने वाला नदियाँ, सबका जो बेसन्स हैं नेपाल में पड़ता है और इन नेपाल का क्षेत्र में भी भारी बारिश की संभावना है और हमारा क्षेत्र में भी हेवी रेनफॉल की संभावना है। इस परिस्थिति में सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। पदाधिकारियों को भी सतर्क रखा गया है, छुट्टियाँ रद्द की गई हैं और सभी लोगों को नज़र रखने के लिए कहा गया है और हम लोग देख रहे हैं और विशेषकर जो बांध के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, नदी के पेट में बसे हुए गाँव हैं, इन सब गाँवों को और समय तक सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। 3-4 दिन में आप समझ सकते हैं कि 400-500 mm तक बारिश हो सकती है, ये ऐसा संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर के सभी लोगों को सतर्क रहना है और सचेत रहना है।